देश के पहले पानी सर्वेक्षण की बात करते हैं। दरअसल देश के तालाबों, नालों, पोखरों और झीलों का हाल बहुत बुरा है। हर 6 में एक झील, तालाब या फिर पोखर सूख रहा है या फिर गाद और खारेपन की वजह से उपयोग के लायक वो नहीं बचा है। ये बात जल निकायों की स्थिति और उनके रखरखाव पर पहली राष्ट्रव्यापी गणना में सामने आई है। आइए देखते हैं इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की गाजियाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट। गाजियाबाद के अर्थला में कभी यहाँ एक बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन अब वह लोगों की याद में है या फिर सिर्फ सरकारी आंकड़ों में। आज यह अतिक्रमण और गार्बेज डंपिंग की वजह से गाजियाबाद में जल निकायों की बदहाली का आईना बन गया है। गाजियाबाद के अर्थला इलाके में इस जगह पर 1950 के सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक एक तालाब हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर तालाब गायब हो चुका है। तालाब के एक हिस्से में लोगों ने घर बना लिए हैं, जबकि एक तरफ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर बालूपुरा में मशहूर पक्का तालाब करीब 2 साल पहले पूरी तरह से सूख गया था। पिछले साल ट्यूबवेल से इसमें पानी भरा गया, लेकिन रखरखाव ठीक से न हो पाने से लोगों के किसी काम का नहीं रह गया है। आज तालाब पर ताला लगा हुआ है। पहले तो सूखा था ये, पहले तो बिल्कुल सूखा था, बच्चे खेलते थे, सब बड़े बूढ़े बैठते थे। और ये जब से ये पानी भरा है और जब से दोनों में ताला लग चुका है, यहाँ इसमें मच्छर भी बहुत हो चुके हैं, मोटे मोटे हैं। और सारी बात तो ये है कि पहले बात तो कोई ताला खोलता नहीं है, अब इसमें दुनिया भर के पानी भर गया है, पानी में मच्छर हो रहे हैं और ये देखो कितनी कितनी गंदगी पड़ी है। आगे आगे बीमारियां बढ़ेगी, अब कोई को डेंगू बता देगा, कोई क्या बता देगा बीमारियों को, इंसान जाके जाएगा कि फिर वो घर में बैठता है, घर में से बाहर भी आता थोड़ा बहुत शाम के टाइम, अब घर के आगे बैठेंगे तो मच्छर तो खाएंगे। ये जो तालाब है पक्का तालाब, इसका इस्तेमाल कर पाते हैं? सर नहीं। क्यों? सर ये गेट बंद कर रहा था चौकीदार के, पहले तो बैठ बैठ जाते थे, मतलब सही साफ सुथरा रहता था, अभी चौकीदार से ज्यादा वो गंद पना हो गया। क्यों? पानी साफ सुथरा नहीं है, मच्छर हो चुके हैं। दरअसल जल निकायों की ये बदहाली देश के लगभग हर हिस्से में दिखती है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत की पहली देशव्यापी जल निकायों की गणना में ये खुलासा हुआ है कि देश में 24,24,540 जल निकायों में से 3,94,500 ऐसे हैं जो सूखने, निर्माण कार्य, गाद, खारेपन और कई अन्य कारणों से उपयोग के लायक नहीं बचे हैं। 38,496 जल निकाय ऐसे हैं जिनका अतिक्रमण किया गया है। इनमें से अधिकतर अतिक्रमित किए गए जल निकाय तालाब हैं, जिसके बाद टैंकों का नंबर है। देश में जल निकायों की पहली जनगणना रिपोर्ट में ये अहम खुलासा हुआ है कि रखरखाव में लापरवाही और अतिक्रमण की वजह से आज देश में हर 6 में से एक जल निकाय आम लोगों के उपयोग लायक नहीं बचे हैं। जाहिर है ये जनगणना रिपोर्ट सरकार के लिए एक चेतावनी है कि उसे देश में जल निकायों के संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर पहल करना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 2013 से गाजियाबाद के जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ता और पर्यावरण एक्टिविस्ट सुशील राघव मानते हैं जिला स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही इसकी एक बड़ी वजह है। 1500 वाटर बॉडीज में से 400 वाटर बॉडीज पूरी तरह से एनक्रोच्ड है, जिन पर सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट लोगों ने इमारतें, भवन और उद्योगों का निर्माण कर लिया है। 400 में से 40 वाटर बॉडीज तकरीबन ऐसी हैं जिन पर अभी भी आंशिक अतिक्रमण है जो बचाए जा सकती हैं, लेकिन जिला प्रशासन उन्हें भी बचाने का कार्य नहीं कर रहा है। देश में जल निकायों की बदहाली को लेकर पिछले कई दशकों से सवाल उठते रहे हैं। जल निकायों के पहले गणना ने एक बार फिर उनके पुनर्निर्माण और उनके रखरखाव में बदलाव का सवाल देश के सामने रखा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस गणना के नतीजों की समीक्षा के बाद केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में कितनी गंभीरता से पहल करती हैं। गाजियाबाद से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।